हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज़। सुपर आइडियाज़ में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है 5 दिसंबर। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर नज़र डालने वाले हैं। अभी समय उत्तराखंड लाइव न्यूज़ का। ये न्यूज़ आप लोगों के लिए आती है हर रोज़ सुबह 7 बजे। हालांकि आज टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा सा लेट है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में बात करें तो 10 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। 21 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। सक्रिय मरीजों की संख्या 173 हो गई है। 9 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पौड़ी, पिथौरगढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला। वहीं देहरादून व हरिद्वार में 2-2, नैनीताल में 5 और उधम सिंह नगर में 1 संक्रमित मरीज मिला है। बाजपुर जा रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के काफिले पर हमला। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पर आरोप है। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने वाले बाजपुर जा रहे उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य ने के काफिले पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुलविंदर सिंह किंदा और उनके समर्थकों ने हमला किया। घटना लेवड़ा नदी पुल की है। किंदा व उनके साथ वहां आर्य के विरोध में काले झंडों के साथ धरना दे रहे थे। लाठी डंडों से हुए हमले में कांग्रेस के करीब 7-8 कार्यकर्ता चोटिल हुए। हमलावरों के तेवर देखकर कार्यकर्ताओं ने आर्य और उनके बेटे को गाड़ी से उतारकर घेरे में लेकर पैदल कोतावली पहुंचाया। उत्तराखंड 15 मीटर से कम ऊंचाई वाले भवनों में अग्निशमन एनओसी अनिवार्य नहीं होगी। उत्तराखंड में 15 मीटर से कम ऊंचाई वाले भवनों के लिए अब अग्निसुरक्षा एनओसी की बाध्यता नहीं रहेगी। अग्निशमन विभाग से अग्निसुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए बाध्य नहीं करेगा, लेकिन विकास प्राधिकरणों की ओर से एनओसी मांगने पर अग्निशमन विभाग की ओर से एनओसी जारी करेगा। उत्तराखंड में अकेले जीवन काट रही करीब 4 लाख महिलाओं को स्वरोजगार से मिलेगा सब्सिडी का सहारा। उत्तराखंड में अकेले जीवन काट रही करीब 4 लाख महिलाओं को चुनावी साल में बड़ी सौगात मिल सकती है। सरकार ऐसी महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए योजना लागत पर 90% सब्सिडी देने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा 80,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी बीमे के दायरे में लाया जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गढ़वाल व कुमाऊं अगले कुछ दिनों के होने वाले कार्यक्रम में इसकी घोषणा कर सकते हैं। उत्तराखंड के देहरादून में करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास करने पहुंचे पीएम मोदी। विपक्ष ने साधा निशाना। उन्होंने विभिन्न पार्टियों के फ्री बिजली, लैपटॉप और मोबाइल देने जैसी योजनाओं पर हमला बोला। पीएम ने कहा, इस तरह की योजनाओं के जरिए लोगों के स्वाभिमान को कुचलने का प्रयास हो रहा है। पीएम ने यह भी कहा कि दुर्भाग्य से इन राजनीतिक दलों ने लोगों में यह सोच पैदा कर दी है कि सरकार ही तुम्हारी माई बाप है, जब सरकार ही से मिलेगा तभी हमारा गुजारा चलेगा। यानी कि एक तरह से देश के सामान्य मानवीय का स्वाभिमान का उनका गौरव कुचल दिया, उन्हें आश्रित बना दिया और दुख की बात यह है कि उन्हें पता भी नहीं चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी उत्तराखंड यात्रा के दौरान 11 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की फाउंडेशन स्टोन रखी। साथ ही 7 प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। इन प्रोजेक्ट्स की लागत थी 18,000 करोड़ रुपए। जिन 11 प्रोजेक्ट्स की फाउंडेशन स्टोन रखी उनमें से दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर शामिल है। इसे लगभग 8,300 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। यह दिल्ली से देहरादून की दूरी को कम कर देगा। यात्रा के समय को 6 घंटे से घटाकर लगभग 2.5 घंटे कर देगा। इसमें हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, यमुनानगर, बागपत, मेरठ और बड़ौद से कनेक्टिविटी के 7 प्रमुख इंटरचेंज होंगे। अगर आप जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन किन घोषणाओं क्या क्या घोषणाएं की तो उसके भी वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। उत्तराखंड में 17वीं स्टेट पावर लिफ्टिंग का उद्घाटन हो चुका है। शनिवार को बलूनी क्लास के प्रबंध निदेशक विपन बलूनी ने किया। स्टेट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन उत्तराखंड स्टेट पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में किया जाएगा। गढ़वाल पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के महासचिव आदित्य बटतवाल ने उन्हें यह जिम्मेदारी देने के लिए अध्यक्ष व वरिष्ठ आईपीएस अमित कुमार सेना का आभार व्यक्त किया। अगर रोडवेज के चालक ने निर्धारित मार्ग पर बस का संचालन नहीं किया तो उनके वेतन से 5,000 रुपये काटने का फरमान सुनाया गया है। सबसे ज्यादा शिकायत दिल्ली मार्ग पर आ रही है। आरोप है कि चालक तय मार्ग के बजाय एक्सप्रेसवे से बस ले जा रहे थे। इस वजह से बसों में मेरठ, मोदीनगर, मोहननगर व गाजियाबाद के यात्री परेशान हो रहे हैं, जबकि रोडवेज प्रबंधन को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी कुछ खबरें। इसी तरीके से उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।